Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और दमकदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस GTA 5। और भाई GTA 5 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो माइकल दादा है भाई, उसने पंगा ले लिया लॉस सैंटोस के सबसे बड़े डॉन्स में से एक डॉन भाई मार्टिन मद्रासो के साथ। भाई हमने मार्टिन मद्रासो का घर गिरा दिया गलती से। और भाई मार्टिन मद्रासो ने कहा है, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा माइकल, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझे $2.5 बिलियन देने होंगे। और भाई अभी हमने लेस्टर से बात की कि भाई उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, इसलिए हम भाई लेस्टर कह रहा है कि तुम मुझसे आकर मिलो। तो अभी हम भाई लेस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं और भाई देखते हैं इस चीज का क्या सोल्यूशन निकलता है। अभी भाई ये तो माइकल दादा के जो है डॉक्टर है, उसका कॉल है, तो लोग बात करते हैं माइकल दादा के। तो भाई माइकल दादा का डॉक्टर कह रहा है कि भाई तुम मुझसे मिलने नहीं आए माइकल, और माइकल बोल रहा है कि भाई डॉक्टर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और जब पैसे होंगे मैं तभी मिलने आऊंगा, और अभी बिना पैसों के तो तुम मेरा इलाज करने नहीं वाले। तो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है माइकल कभी कभार। वो अभी भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, सो इसलिए भाई हमें सबसे पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए भाई हमें लेस्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई लेस्टर है वो सारी चोरियों की प्लानिंग है वो हमेशा लेस्टर करता था और माइकल उसे एग्जीक्यूट करता था। तो अभी हमें लेस्टर से मिलकर कोई प्लान बनाना होगा भाई पैसे कमाने के लिए। भाई कोई बड़ी चोरी वगैरह करेंगे हम। सबसे पहले लेस्टर से मिलते हैं और देखते हैं कि भाई हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो फाइनली गाइज हम मरियाना हाइट्स में आ चुके हैं, और भाई लेस्टर का घर यहीं कहीं होना चाहिए। तो भाई लेस्टर ने लोकेशन तो यहीं दी थी कि भाई वो यहीं कहीं रहता है। और भाई लेस्टर जबरदस्त हैकर है, सो प्लानिंग तो भाई लेस्टर बहुत तगड़ी करने वाला है। और चलो भाई देखते हैं कि लेस्टर हमसे क्या बात करता है, कि भाई क्या वो सोल्यूशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई लेस्टर से मिले हुए हमें माइकल दादा को काफी ज्यादा टाइम हो गया है, वो क्या पता भाई। क्योंकि भाई पहले तो लेस्टर है वो बहुत अच्छा दोस्त था, और अभी है भाई माइकल दादा भाई जबरदस्त बंदा है, उंगली करने से बिल्कुल नहीं कतराता है भाई माइकल दादा। तो अभी भाई अंदर बुला रहा है भाई लेस्टर, तो चलो भाई लेस्टर से बात करते हैं। घर तो भाई इसका जबरदस्त छोटा सा ही है, लेकिन भाई हैकिंग की बहुत सारी चीजें, भाई प्लानिंग का पूरा मैप वैप रखा है। तो भाई प्लानिंग तो तगड़ी करके देने वाला है ये लेस्टर। तो अभी लेस्टर कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पर आए हो जरूर, तुम्हें कोई ना कोई मदद की जरूरत है, वरना तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आते। तो अभी लेस्टर कह रहा है कि तुम्हें अगर मदद की जरूरत है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और माइकल दादा कह रहा है कि मुझे बस कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मेरे पिछले अच्छे दोस्त रहे हो और तुम भरोसे के लायक, तुम मुझे धोखा भी नहीं दोगे, तो इसलिए तुम्हें पहले मेरा एक कुछ काम करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं भाई ये क्या काम देने वाला है लेस्टर। तो लेस्टर का भी भाई हमें काम करना पड़ेगा। और भाई लेस्टर बोल रहा है कि माइकल तुम्हारी बीवी है वो भी तुम्हें प्यार नहीं करती, और तुम्हारे बच्चे भी हैं वो भी बिल्कुल नालायक हैं। तो भाई अभी जो माइकल की लाइफ है वो बहुत बोरिंग चल रही है। लेस्टर कह रहा है कि भाई अभी जो एक जेम नोरन नाम का बंदा है आईटी सेक्टर में, हमें उसकी कंपनी है उसमें जाकर कुछ कांड करना है, और के लिए भाई हमें तैयार होना पड़ेगा, और उसके लिए जो है ये बैग दिया गया है हमें। और भाई अभी हम तैयार होने के लिए जा रहे हैं, और तो भाई गुस्सा हो गया। भाई लेस्टर बोल रहा है तुम जाओ पहले तैयार हो, और फिर हम बाद में बात करते हैं, कॉलेज बॉय बनेंगे अभी। सो भाई लेस्टर तो भाई अलग ही चौड़ में है। चलते हैं हम एक अच्छे से कपड़ों की शॉप में, और भाई कॉलेज बॉय बनते हैं बिल्कुल। फाइनली भाई हम जो है शॉप के सामने आ चुके हैं भाई, यहीं पर है जो है स्टूडेंट्स के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं। भाई माइकल कह रहा है कि भाई कुछ अच्छे कॉलेज वाले कपड़े दिखाओ जिसे मैं इंटरव्यू में पहन कर जा सकता हूँ। तो ये लड़की बोल रही है क्या तुम्हारी जॉब जा चुकी है, क्योंकि भाई मेरे फादर की भी जॉब जा चुकी थी, और भाई उन्हें भी बिल्कुल इस जमाने के साथ चलना पड़ा, और तुम्हें भी भाई ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई माइकल दादा को भाई अलग ही ज्ञान खेल रही है भाई, अभी भाई टाइम बुरा चल रहा है तो सभी ऐसे ही सुना रहे हैं। चलिए भाई जल्द से जल्द कपड़े चेंज करता हूँ मैं।
सो फाइनली गाइज मेरे को ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई और भाई हमने ये कपड़े पहन लिए हैं भाई, एक छोटे से निक्कर में आ गए हैं भाई माइकल दादा बिल्कुल। सो अभी भाई हमने ये कपड़े पहन लिए हैं और अभी हम लेस्टर से बात करेंगे और भाई कहाँ पर जाना है वो चेक करेंगे कि भाई क्या मिशन होने वाला है। सो वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।